गुलबर्गा यतीम खाना अंजुमन अंसारुलसफ़ा के प्रेमिसेस में चल रहे अलहुदा इस्लामिक पब्लिक स्कूल में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। इस मौके पर यतीम खाना प्रेसिडेंट मजहर हुसैन एडवोकेट की जानिब से फ्लैग होस्टिंग कर प्रोग्राम का आगाज किया गया है। प्रोग्राम में अलहुदा स्कूल और यतीम खाना हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने कल्चरल प्रोग्राम और उर्दू कंदरा इंग्लिश स्पीचेस और दीगर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को इनामत दिए गए और POC एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करने वाले हॉस्टल के स्टूडेंट्स को भी इनाम दिया गया है। इस मौके पर यतीम खाना प्रेसिडेंट मजहर हुसैन एडवोकेट के अलावा मैनेजिंग कमेटी से खमरुज़्ज़मा इनामदार एडवोकेट जब्बार गोला, बाखर अली, फारूक पंजा, मौज़म अली और दीगर लोग मौजूद थे। तमाम लोगों ने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस की तारीफ कर इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद दी है। सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स को, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं तमाम लोगों को यौम आज़ादी की पुरखलोस मुबारकबादी आप लोगों के सामने पेश करता हूँ और साथ ही साथ ये भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट, चाहे अलहुदा स्कूल के स्टूडेंट या हमारे हॉस्टल के स्टूडेंट, तमाम बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर मुजाहरा किया और फ्रीडम फाइटर्स को याद किया। हमारे जितने भी लोग इस मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए अपना खून बहाया, उसके बाद जाकर यह मुल्क आज़ाद हुआ, तमाम बच्चे बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर अपनी अपनी बात को यहाँ पर रखी। और साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ जिसमें एक ऐसा मुजाहरा नजर आया, रंगारंग मुजाहरा, कलरफुल ड्रेसेस थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे तमाम स्टूडेंट, तमाम बच्चियों को मैं खास करके बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं हमारे बच्चियाँ, तमाम लड़कियों को मैं बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। साथ पेरेंट्स को भी मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों की भी मेहनत होती है, माँ बाप की मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेरेंट्स, माँ बाप जो है अच्छी परवरिश कर सकते हैं लेकिन इंसान जो बनाते हैं टीचर्स, हमारे खास साथ ही साथ में टीचर्स, हमारे अलहुदा इस्लामिक स्कूल के तमाम टीचरों को भी मैं मुबारकबादी देता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत की और उसका नतीजा यहाँ पर नजर आया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और हम मेहनत करेंगे, हमारे जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारे चाहे वो हॉस्टल के बच्चे रहने दो चाहे हमारे स्कूल के बच्चे रहने दो, हम उन बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देंगे, एक अच्छा मुस्तकबिल, इस मुल्क का मुस्तकबिल हमारे अलहुदा इस्लामिक स्कूल से हम पैदा करेंगे इंशाल्लाह। जो भी बच्चे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कमजोर आपको नजर आते हैं, मैं टीचरों से भी गुजारिश करता हूँ जो बच्चे कमजोर नजर आते हैं उनको, उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दीजिए क्योंकि हमेशा अक्सर ये होता है कि जो अच्छा बच्चा पढ़ता है तो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जो कमजोर बच्चे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए। कमजोर कोई नहीं है, सब अच्छे रहते हैं लेकिन थोड़ी सी वहां पर कुछ ना कुछ खामियां होती है, हम वो खामियों को पूरा करना है, बच्चों को काउंसलिंग करना है, बच्चों को हिम्मत अफजाई करना है, उनको एनकरेज करना है। आज जो हम यह प्रोग्राम रखे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। वो लोग आए यहाँ पर तकरीर पेश किए, यहाँ पर डांस हो गया, उसके बाद हमने हिम्मत अफजाई उनके इनामत से भी नवाजा गया, इसलिए क्योंकि बच्चों का एनकरेज होना चाहिए। जो बच्चे परफॉर्मेंस करे हैं उनको इनामत से नवाजा गया, जो बच्चे परफॉर्मेंस नहीं किए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले जब भी प्रोग्राम होंगे आप तमाम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, आपका पार्टिसिपेशन आपका फ्यूचर बनाएगा। और ऐसे प्रोग्राम्स में आप तकरीर अगर करेंगे तो आपको तारीख मालूम होगी, इतिहास मालूम होगा, हिस्ट्री मालूम होगी और तारीख और इतिहास वही बनाता है जो इतिहास पढ़ता है, इतिहास बोलता है। जो आदमी इतिहास नहीं बोलता है वो इतिहास नहीं बनाता है। तो इतिहास पढ़ना होगा, तारीख को याद करना होगा, हमारी आजादी के लिए लोग जो कुर्बानियां दिए उनको याद करना होगा। आप जो देखते होंगे गाड़ी पे एक मिरर होता है, गाड़ी पे जो भी गाड़ी है टू व्हीलर होती है वो कार रहती है, एक मिरर रहता है शरीर में, वो मिरर किस लिए होता है, पीछे देखने के लिए हम उसको मिरर गाड़ी पे लगाते हैं। पीछे क्यों देखना है, क्योंकि एक्सीडेंट, हमारी अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए पीछे देखना बहुत जरूरी है। अगर हम पीछे नहीं देखेंगे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हम जब तक तारीख अगर नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे और हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते।
तो तमाम स्टूडेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। आपके वालिदैन की आपकी उम्मीदें आपसे जुड़े हुए हैं, आप मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। इल्म एक ऐसी ताकत है, तालीम एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए से आप तमाम लोग पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो मैं तमाम बच्चे जितने भी यहाँ पर है, मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूँ खूब मेहनत कीजिए। टीचर जो भी होमवर्क कर देते हैं, जो भी करते हैं, वहाँ पर घर में पढ़िए। और मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूँ कि सुबह में बच्चों को ड्रेस पहनाया और उनको स्कूल को छोड़ दिया, यहाँ पर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल के बाद उनको एक घंटा खेलने दीजिए, एक घंटे के बाद फिर बच्चा क्या पढ़ रहा है उसका प्रोग्रेस लीजिए। क्योंकि आज आजादी का दिन है, हमको 77 साल हुए हैं, लेकिन हमको जो है हमारा जो मुस्तकबिल, आने वाले दिनों का जो मुस्तकबिल है, स्कूल का मुस्तकबिल, बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए हम तमाम लोगों को कोशिश करना चाहिए।